अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन चल रहा था। इधर राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी उत्सव मना रहा था। वीवीआईपी रोड स्थित राम मंदिर भी इस ऐतिहासिक उत्सव से सराबोर नजर आया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी दर्शन करने यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जीवन में इससे बड़ा अवसर नहीं आ सकता। 500 सालों का एक बड़ा संघर्ष, कोर्ट कचहरी से लेकर कई तरह के अड़चनों का सामना करने के बाद प्रभु राम की कृपा बरसी। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज करोड़ों हिंदुस्तानी, दुनिया में रहने वाले भारतवंशी समेत हर किसी के लिए खुशी का दिन है। मुझे भी अयोध्या में रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिला है। मैंने उस दौर की प्रताड़ना देखी है। मैं भी कार सेवकों का हिस्सा रहा हूँ। रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, एक बड़ा ये नारा था बीजेपी का, संघ का और देश का एक सपना था कि अयोध्या में भगवान रामलला एक बार फिर विराजमान हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया है और मार्ग प्रशस्त हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर के श्रीराम मंदिर पहुंचे हैं, परिवार समेत उन्होंने दर्शन किया है। एक बड़ा सपना देश का पूरा हुआ 500 साल के एक बड़े संघर्ष के बाद। ये हम सबका सौभाग्य है कि ये अवसर हम देख रहे हैं। शायद जीवन का ये सबसे बेहतर अवसर है कि जब 500 साल के संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण का काम आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया। इससे बड़ा अवसर हम लोगों के जीवन में नहीं आ सकता। कितना संघर्ष 500 सालों का, कोर्ट कचहरी से लेकर अन्य प्रक्रियाओं में, मगर अंत में प्रभु राम की कृपा हुई और आज मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और एक दुनिया का ऐतिहासिक, करोड़ों करोड़ हिंदुस्तान और दुनिया में रहने वाले जितने लोग हैं भारतवंशी, सबके लिए बहुत बड़ा दिन है और हम सबके जीवन का इसलिए सौभाग्य विषय है कि राम मंदिर के उस प्रक्रिया में कहीं न कहीं जुड़ने का अवसर मिला, अयोध्या तक की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस दौर की प्रताड़ना को देखने का भी अवसर मिला, किस प्रकार लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया था, वो दृश्य आज लाखों लोगों के समूह को, लोगों के साथ चलने का अवसर मिला और पूरा उत्तर प्रदेश किस प्रकार कार सेवकों की सेवा के लिए खड़ा हो गया, आज उसकी परिणति हुई है। और इससे बड़ा अवसर हमारे जीवन में नहीं आ सकता कि मंदिर के निर्माण, और आज मेरा सौभाग्य है कि रायपुर के राम मंदिर में मैं आया हूँ और उसी समय हमने पूजा किया जब अयोध्या में पूजा चल रहा था। तो पूरा देश राममय है, पूरा दुनिया आज राममय है और राम की ही कृपा है। सर, छत्तीसगढ़ राम का ननिहाल है, प्रभु राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की जन्मभूमि है। और जब इस राम मंदिर का लोकार्पण हुआ था तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आज की पहली आरती अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग का रास्ता प्रशस्त करेगी। छत्तीसगढ़ का सीधा जुड़ाव अयोध्या से, वो घटना आज भी आंख के सामने है कि जब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ उपस्थित हुए थे और जब मंदिर के इसका शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि यदि छत्तीसगढ़ में भगवान राम के ननिहाल में, कौशल्या माँ की नगरी में, यदि राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण हो गया, अब वो दिन दूर नहीं जब सपना भगवान राम के आशीर्वाद से आज पूरा हो रहा है। राम के ननिहाल से सपना देखा था योगी आदित्यनाथ ने, पूरा होता नजर आ रहा है। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रामलला के मंदिर के लिए भूमि पूजन किया है। और जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे थे तब उन्होंने कहा था कि इस राम मंदिर की पहली आरती अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करेगी और ये तस्वीर आज देश देख रहा है। आज पूरा देश राममय है, राम की भक्ति से सराबोर है। कैमरामैन रेख राम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।